Dear students, in this video we will learn about the factors that affects the corrosion. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कोरोजन को अफेक्ट करते हैं. तो ऐसे फैक्टर्स कौन होंगे, देखिए कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे थे, आपने पढ़ लिया है बहुत सारा. तो मेटल के कोरोजन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा था? एक तो कर रहा था मेटल, दूसरा कर रहा था एनवायरमेंट जो चारों ओर उस मेटल के होगा, और तीसरा करेगा कौन अफेक्ट करेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी नेचर भी अफेक्ट करेगी किसको, कोरोजन को. तो जो सबसे पहला फैक्टर है वो हम लेंगे मेटल. तो मेटल कैसे अफेक्ट करता है, देखिए मेटल की प्योरिटी अफेक्ट करती है. ये भी हमने देखा था अभी इससे पहले क्लासिफिकेशन में कि मेटल की प्योरिटी कैसे अफेक्ट करती है. मेटल में अगर इम्प्यूरिटी होगी तो क्या बन जाएंगे, छोटे छोटे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाएंगे. तो अगर मेटल इम्प्योर होगा तो छोटे छोटे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनेंगे, और जो एनोडिक पार्ट होगा वो क्या होता है, प्योर मेटल होता है. तो वो प्योर मेटल होता है इसलिए वो एनोडिक पार्ट क्या होगा, कोरोड होगा. तो मेटल की प्योरिटी अफेक्ट करती है कोरोजन को. अगर मेटल इम्प्योर होगा तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉर्मेशन के थ्रू क्या होगा, कोरोजन होगा एनोडिक पार्ट का. दूसरा जो मेटल का जो फैक्टर अफेक्ट करता है दैट इज पैसिविटी ऑफ मेटल. पैसिविटी मतलब पैसिव है वो. एक तो होता है एक्टिव, एक्टिव जो बहुत रिएक्टिव होता है, और पैसिव हो गया जो बिल्कुल रिएक्टिव नहीं होता, नॉन रिएक्टिव होता है. तो ये जो मेटल्स हैं Tl, Al, Cr, Mg, Ni, Co, ये इनकी जब ये डायरेक्ट कोरोजन होता है जब इनका, तो ये क्या बनाएंगे, ऑक्साइड की लेयर बनाएंगे. ऑक्साइड की लेयर अगर बनाएंगे तो इनकी जो ऑक्साइड की जो फिल्म होती है वो बहुत स्टेबल होती है, जो कि क्या करती है, फर्दर कोरोजन को रोकती है. तो अगर पैसिव मेटल्स होंगे तो उनका कोरोजन इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर क्या बन जाती है, ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है. तो एक पॉइंट आपने पढ़ा प्योरिटी, अगर इम्प्योर होगा तो उसका कोरोजन आसान है मेटल. अगर मेटल पैसिव होगा, नॉन रिएक्टिव होगा, अगर वो ऑक्साइड की स्टेबल लेयर बना दे तो फिर वो कैसा होगा, स्टेबल, उसमें कोरोजन नहीं होगा. तीसरा अगर फैक्टर देखें मेटल का तो वो क्या है, फिजिकल स्टेट. अगर फिजिकल स्टेट देखें, अगर स्मॉलर ग्रेन साइज होगा किसी भी मेटल का तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी. और जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, कोरोजन होगा. तो कोरोजन डिपेंड करेगा कि उसका जो ग्रेन साइज है क्रिस्टल के अंदर, मेटल के क्रिस्टल के अंदर जो ग्रेन्स होते हैं उस ग्रेन साइज के ऊपर डिपेंड करेगा. अगर वो छोटा होगा तो कोरोजन आसानी से हो जाएगा, ज़्यादा कोरोजन होगा, और क्योंकि उसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी. अब मेटल की जो पोजीशन है गैल्वेनिक सीरीज में वो डिपेंड, वो भी अफेक्ट करेगी. अब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ ली है, उसका यूज पढ़ लिया है हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का. तो अब देखते हैं मेटल हायर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में होगा. रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव में. तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव का मतलब है कि वो मेटल मेटल आयन में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, इजीली कन्वर्ट हो जाएगा. तो इसका मतलब है कि वो आसानी से डिसइंटीग्रेट हो रहा है, किस में, एम प्लस में. उसका डीके हो रहा है, उसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, उसका डिटोरियोरेशन हो रहा है. तो मेटल का डिटोरियोशन क्यों इजी है, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, ये सीरीज में ऊपर है तो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा. इसलिए ये क्या होगा, मोर एक्टिव होगा, इसका कोरोजन आसानी से होगा, मोर कोरोजन. इसलिए जो कोरोजन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
the difference between इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू मेटल्स. तो कोरोजन डिपेंड करेगा कि दो मेटल्स का जो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस है वो कितना है. जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना जल्दी कोरोजन होगा. किसका, जो सीरीज में ऊपर होगा उसका कोरोजन आसान होगा. फिर एक जो फैक्टर है मेटल का वो है ओवर वोल्टेज. ये टर्म आपके लिए एकदम नई है, ओवर वोल्टेज. इसको हम बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं करेंगे, बट थोड़ा बताने की आपको कोशिश करूंगी कि ओवर वोल्टेज दो तरीके की होती है जनरली, हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज एंड ऑक्सीजन ओवर वोल्टेज. तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज की. हाइड्रोजन जो आपको पता है कि जो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, रिडक्शन पोटेंशियल, वो जनरली कितना होता है, 0.00 वोल्ट. तो इसका मतलब है कि 0.00 वोल्ट पर हाइड्रोजन इवॉल्व हो जानी चाहिए. हाइड्रोजन कहाँ इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन इवॉल्व होती है कैथोड की सरफेस पे. कहाँ पर इवॉल्व होती है, कैथोड की सरफेस पे. क्योंकि हाइड्रोजन का इवोल्यूशन का मतलब है कि रिएक्शन कैसी होगी. देखिए रिडक्शन की रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे तो ये रिडक्शन की रिएक्शन है. रिडक्शन की रिएक्शन कहाँ होती है, कैथोड. तो हाइड्रोजन का जो इवोल्यूशन है वो कहाँ पर होता है, कैथोड की सरफेस पे. अब हम दो मेटल्स को देखें, ये देखिए एक्चुअली जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को जीरो वोल्टेज पर मान लीजिए कि बबल करना चाहिए, उसको जीरो वोल्टेज पर इसको रिड्यूस हो जाना चाहिए. लेकिन जिंक अगर हम ले लें किसके साथ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, अगर उसमें हम एक तो ये अगर ये मान लीजिए इस जिंक को अगर हम H2SO4 सॉल्यूशन में डालें तो जिंक का कोरोजन जो है वो धीरे धीरे होता है. क्यों होता है, क्योंकि जिंक की सरफेस पर हाइड्रोजन इवॉल्व नहीं हो पाता, धीरे धीरे इवॉल्व होता है. जब ये इवॉल्व होगा तब ये क्या होगा, यहां पर रिडक्शन होगा तो यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन. तब ये आसानी से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक 2+ आयन में. लेकिन ऐसा नहीं होता है, स्लो प्रोसेस है. क्योंकि ये जो दिख रहा है इसकी एक वैल्यू होगी थियोरेटिकल और एक होगी वैल्यू एक्सपेरिमेंटल. जब हम इसको जिंक के साथ लेंगे तो ये जो रिएक्शन है इसका जो रिडॉक्स पोटेंशियल होगा एक्चुअल में वो 0.70 होगा. जो इसकी जो बबलिंग की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो है 0.70 और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो थियोरेटिकल वैल्यू है कितनी है, 0. तो डिफरेंस कितना आ गया, 0.70 का. तो इसको जब जिंक के साथ रखेंगे तो 0.70 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज जब अप्लाई करेंगे तब ये कहाँ बबल होगी, इसकी सरफेस पर. तो इसलिए जो है ये ओवर वोल्टेज कहलाती है, जो उसकी थियोरेटिकल वैल्यू है और जो इसकी बबलिंग की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, उन दोनों के डिफरेंस को कहते हैं ओवर वोल्टेज. जो है उससे ज़्यादा देना पड़ रहा है तब जाके क्या हो रही है, बबलिंग हो रही है. तो इसलिए जो है उसको हम क्या कहते हैं, ओवर वोल्टेज. उतनी ज्यादा देनी पड़ी, ओवर वोल्टेज देनी पड़ रही हमें. तो अगर हम क्या, अब देखिए फॉर एग्जांपल ये जो हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज फॉर प्लेटिनम, प्लेटिनम के लिए अगर हम ये देखें तो ये 0.00 होती है. इसीलिए प्लेटिनम के साथ जो हम लिखे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो हम लिखते हैं 0.00 वोल्टेज, इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं. लेकिन अगर हम इसको जिंक के साथ लेंगे तो फिर इसका जो जो हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज होगी वो क्या होगी, 0.70. यहाँ प्लेटिनम के साथ तो ये 0 वोल्टेज पर ही जो है वो बबलिंग हो जाती है प्लेटिनम की सरफेस पर. लेकिन जिंक की सरफेस पर 0.70 वोल्ट से ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगा, 0.70 देना पड़ेगा तब जाके इसकी सरफेस पर H2 की बबलिंग होगी. जबकि कॉपर के लिए ये हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज कितनी होती है, 0.33 वोल्ट. यानी अगर हम 0.33 वोल्ट देंगे कॉपर के साथ तो फिर हाइड्रोजन की बबलिंग इसकी सरफेस पर होगी. तो इसको हम एक एग्जांपल से इसको क्लैरिफाई करते हैं. ये देखिए अगर हम जिंक को H2SO4 में घोलें
तो जिंक जो है वो धीरे धीरे डिजोल्व होता है, कोरोजन होगा जिंक का लेकिन स्लो प्रोसेस होगी। यहां से किसकी बबलिंग होगी, एच प्लस से एच टू, यहां इसकी सरफेस पे बबल होने चाहिए। लेकिन जिंक की ओवर वोल्टेज कितनी होती है, हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज 0.70। तो जब तक हम इतनी वोल्टेज नहीं देंगे इसे तब तक इसकी बबलिंग यहाँ आसानी से नहीं होगी। लेकिन अगर हम इसमें जो H2SO4 है उसमें कॉपर सल्फेट घोल दें, ठीक है, तो क्या होता है कि जिंक की सरफेस पे कैथोड आ गया। अब क्या हो गई, इंप्यूरिटी ऐड हो गई। देखिए जिंक की सरफेस पे क्या ऐड हो गया, कॉपर। अब कॉपर किसकी तरह एक्ट करने लगेगा, कैथोड की तरह। पहले तो जिंक कैथोड की तरह एक्ट कर रहा था लेकिन अब कौन करेगा, कॉपर। कॉपर का जो ओवर पोटेंशियल है वो कितना है, 0.33 वोल्ट। जिंक का कितना है, 0.7770, और कॉपर का कितना है, 0.33। तो इसका मतलब अब क्या हो गई, ओवर वोल्टेज कम हो गई। तो ये जो था ये आसानी से कैथोड की सरफेस पर फिर बबल कर सकता है। ओवर वोल्टेज जितनी कम होगी, इसमें देखिए कोरोजन किसका होगा, एनोड का होगा, क्योंकि अब एनोड कौन हो गया, जिंक की रॉड। उसके ऊपर कौन आ गया है, कॉपर। कॉपर क्या हो गया, कैथोड। कैथोड की जो सरफेस है उस पर तो आ जाएगा हाइड्रोजन की बबलिंग। और अब जो जिंक था वो आसानी से क्या होगा, सॉल्यूशन में चला जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन में तब जाएगा ना जब इसकी इसमें से हाइड्रोजन आयन डिस्चार्ज होंगे। इसमें से हाइड्रोजन आयन अगर डिस्चार्ज होने शुरू हो जाए तब जो है वो जिंक किस में कन्वर्ट होगा, जिंक 2+ में। तो अगर इसकी सरफेस पे कॉपर आ जाए तो कॉपर क्या करेगा, कॉपर कैथोड हो जाएगा। अब इसकी बबलिंग कहाँ हो जाएगी, कॉपर की सरफेस पर। और जिंक किस फॉर्म में, जिंक से जिंक 2+ आयन की फॉर्म में क्या हो जाएगा, कोरोड हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक मेथड, एक थ्योरी तो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल पढ़ी थी, दैट्स डिफरेंट थ्योरी, वो इसी पर बेस्ड थी एक्चुअली। जो वो थ्योरी थी वो इसी पर बेस्ड थी, क्यों कॉपर की प्रेजेंस में जिंक का कोरोजन हो जाता है। तो कॉपर की प्रेजेंस में जिंक, जो कॉपर की प्रेजेंस में जिंक का कोरोजन क्यों होगा, क्योंकि जिंक की जो हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज है वो ज्यादा है, कॉपर की हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज कम है। तो कम वोल्टेज पर हाइड्रोजन कहाँ बबल हो जाएगी, कैथोड की सरफेस पर। ज्यादा अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी हमें, कम करनी है, तो यानी उसका रिडक्शन आसान हो जाएगा। H2SO4 का रिडक्शन इसकी सरफेस पर आसान हो जाएगा क्योंकि इसका जो ओवर वोल्टेज है वो कम है। और जब ये यहाँ को जाएगा, जब ये टूटेगा, जब इसका रिडक्शन होगा तब तो इसका ऑक्सीडेशन होगा। दूसरे का ऑक्सीडेशन तो तब होगा जब इसका रिडक्शन होगा। अब इसके साथ तो इसका ऑक्सीडेशन हो ही नहीं पा रहा क्योंकि इसकी हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज ज्यादा है। ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी हमें, 0.70 से ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी, तभी ये इसकी सरफेस पर बबल होगा। लेकिन ये नहीं हो पा रहा है क्योंकि हाई ओवर वोल्टेज है, तो हमने इसमें ये मिला दिया। इसकी ओवर वोल्टेज कम है तो अब ये कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है और ये यहां बबल हो जाएगी। तो फिर कौन बच गया, ये बच गया, इसका क्या हो जाएगा, कोरोजन हो जाएगा। तो हाई ओवर वोल्टेज का जो मेटल है वो पहले कोरोड करेगा इन प्रेजेंस ऑफ अ मेटल विद लोअर ओवर वोल्टेज। अगर हम दो ऐसे मेटल ले लें जिसमें से एक का ओवर वोल्टेज ज्यादा है दूसरे का कम है, तो जिसका ओवर वोल्टेज ज्यादा है वो कोरोड होने लगेगा दूसरे मेटल की प्रेजेंस में जिसका ओवर वोल्टेज क्या होता है, कम होता है। तो ये फैक्टर्स हैं मेटल के जो अफेक्ट करते हैं किसको, कोरोजन को। तो जैसे जैसे हम ये इम्प्यूरिटी बढ़ेगी, देखिए मेटल की, किस मेटल की इम्प्यूरिटी बढ़ेगी, जिसका ओवर वोल्टेज कम होगा। तो फिर जो हायर वो ओवर वोल्टेज वाला जो मेटल है दैट विल कोरोड। दूसरा जो फैक्टर है कौन सा है, कोरोजन प्रोडक्ट्स। कोरोजन प्रोडक्ट्स कैसे हो सकते हैं, दो तरीके के हो सकते हैं। देखिए कोरोजन प्रोडक्ट्स या तो सॉल्युबल हो सकते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर, एंड उनकी वोल्टेलिटी के बेसिस पर हम बता सकते हैं कि वो कैसे अफेक्ट करते हैं। तो अगर कोरोजन प्रोडक्ट अगर क्या हो, सॉल्युबिलिटी के आधार पर अगर हम देखें, तो अगर जो कोरोजन प्रोडक्ट है यानी जो ऑक्साइड लेयर है या जो भी प्रोडक्ट है वो अगर सॉल्युबल होगा,
तो मोर कोरोजन होगा विथ फास्टर रेट. अगर वो प्रोडक्ट ही सॉल्युबल है तो वो तो सॉल्युबल है, फटाफट फटाफट क्या करेगा, उसको कोरोड कर देगा, तो कोरोजन फास्टर रेट से होगा. लेकिन अगर वो प्रोडक्ट जो है इनसॉल्युबल होगा तो वो क्या करेगा, कोरोजन को प्रिवेंट करेगा. जैसे लेड की सरफेस पे अगर H2SO4 की रिएक्शन करा दे तो क्या बन जाएगा, लेड सल्फेट. लेड सल्फेट कैसा है, इनसॉल्युबल, तो वो इनसॉल्युबल है तो इसलिए जो है वो क्या होगा, फर्दर कोरोजन नहीं होगा, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बन जाएगा तो फर्दर कोरोजन नहीं है. इसलिए ये डिपेंड करेगा कि जो प्रोडक्ट है उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है. दूसरा जो वो जो प्रोडक्ट है वो क्या हो सकते हैं, या तो वोलेटाइल हो सकते हैं या नॉन वोलेटाइल हो सकते हैं, जिसको हमने ऑक्साइड्स के केस में भी पढ़ा था. तो अगर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं अगर वोलेटाइल है तो कोरोजन ज़्यादा होगा, आपने पढ़ा था ऊपर की लेयर उड़ गई तो फिर अटैक हो जाएगा, फिर कोरोजन हो जाएगा फर्दर. और अगर ये नॉन वोलेटाइल प्रोडक्ट बन रहे हैं तो कोरोजन को क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे. तो जैसे MOO3 है वो वोलेटाइल ऑक्साइड बनाता है, तो वो मॉलिब्डेनम का जो जो कोरोजन है वो फास्ट होगा, क्योंकि जो उसकी जो ऑक्साइड लेयर है वो क्या है, वोलेटाइल है नेचर. तीसरा जो फैक्टर होगा जो अफेक्ट करेगा कोरोजन को वो है एनवायरमेंट. एनवायरमेंट में डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो हम बार बार पढ़ चुके हैं, कई बार हम इसको पढ़ चुके हैं, उसको आप डिटेल में लिख सकते हैं. जैसे एक जो फैक्टर है वो मॉइस्चर, मॉइस्चर वाला जो फैक्टर है वो देखिए जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या होता है, ह्यूमिडिटी प्लस क्या होगा, CO2 होगा और क्या होगा, H2O होगा. तो ये जो CO2 है, H2O है, O2 है, इस ये ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं. तो उस केस में ये जो CO2 और H2O मिलके एसिड बना देते हैं, और फिर ये एसिड और ऑक्सीजन अटैक करके क्या बनाएंगे, कोरोजन करेंगे. कोरोजन ये पॉसिबल है इन ह्यूमिड एटमॉस्फेयर. जैसे आपने पढ़ा है पहले भी कि ह्यूमिडिटी यानी वाटर अफेक्ट करता है, एंड इट कैन समटाइम्स इट कैन फॉर्म इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. तो ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी, ये फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है उसको आप डिटेल में बता सकते हैं. देन इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं पहले कि इम्प्योरिटी कैसे अफेक्ट करती है. अगर इम्प्योरिटी होगी तो फिर क्या होगा, कोरोजन बढ़ जाएगा. तो जैसे इंडस्ट्रीज में है, इंडस्ट्रीज में देखिए इम्प्योरिटीज होती हैं कई तरीके की, एसिड्स होते हैं, H2 होता है, CO2, HCl, H2SO4, ये जो एसिड्स हैं ये कोरोजन करते हैं. इसके अलावा अगर मेटल जो है वो मेटल की इम्प्योरिटी हो तो वो क्या कर सकती है, उसको कोरोड कर सकती है. तो डिफरेंट टाइप की इम्प्योरिटीज जो हैं वो कोरोजन को जनरेट कर सकती हैं. जैसे गैसेस हो सकती हैं, कुछ लिक्विड्स हो सकते हैं, मेटल्स हो सकते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, इम्प्योरिटी वो क्या करते हैं, कोरोजन प्रोवाइड करेंगे. फिर हम देखेंगे पीएच. पीएच आप जानते हैं, जैसा हमने देखा जनरली जो लो पीएच होता है वो क्या करता है, वो लो पीएच क्या करता है, कोरोजन करता है. जनरली आपने अभी तक जो पढ़ा है वो लो पीएच पर कोरोजन होते हैं. पर कभी कभी किसी किसी मेटल में क्या होता है, किसी किसी मेटल में जो है वो एल्कलाइन मीडियम में भी कोरोजन हो जाता है. तो वो डिपेंड करेगा कि मेटल कैसा है, तो मेटल के ऊपर डिपेंड करेगा और उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, उसमें कोरोजन हो सकता है. फिर एक फैक्टर है, चौथा फैक्टर है एनवायरमेंटल ऑक्सीजन. ऑक्सीजन आपने देख लिया, ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट होगी, मॉइस्चर भी होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, कोरोजन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फॉर्मेशन होगा और कोरोजन आसान होगा. तो ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जो कोरोजन को बढ़ा रहे हैं. ऐसे ही जो एक फैक्टर है वो है टेम्परेचर. तो टेम्परेचर क्या होता है, जनरली जो इंक्रीज करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन को, मतलब जो जो कोरोजन प्रोडक्ट है वो उसको जो कोरोजन है, जो डिफ्यूजन है, जैसे किसका डिफ्यूजन है, ऑक्सीजन का, H2O का, वो डिफ्यूजन बढ़ेगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, दैट विल इंक्रीज द कोरोजन. तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा कोरोजन ऑल्सो इंक्रीजेस. अब ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे कि कुछ ऐसे जैसे एल्यूमिनियम है, लेड है, ये एग्जाम्पल है पीएच के, ये एल्कलाइन मीडियम में भी क्या करते हैं, इनमें कोरोजन होता है. तो एनवायरमेंटल फैक्टर जो हैं वो कितने हैं, मेन जो जो मेजर हैं वो है मॉइस्चर, इम्प्योरिटीज, पीएच, ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर, जिसको आप डिफाइन कर सकते हैं. तो अगर हम इसको कंक्लूड करें, इस लेक्चर में आपने पढ़ा कि जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं जो कोरोजन को, वो फैक्टर्स हैं मेटल, एक मेटल है, मेटल में क्या है, प्योरिटी ऑफ मेटल, पैसिविटी ऑफ मेटल,
फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, पोजीशन इन गैल्वेनिक सीरीज, गैल्वेनिक सीरीज में कहाँ पर वो आता है, और ओवर वोल्टेज ऑफ द मेटल. देन सेकेंड जो फैक्टर आपने पढ़ा वो था कोरोजन प्रोडक्ट. कोरोजन प्रोडक्ट पढ़ा, वो सॉल्युबल हो सकते हैं, वो वोलेटाइल हो सकते हैं. फिर आपने पढ़ा एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट में आपने कुछ फैक्टर्स पढ़े, जैसे इम्प्योरिटीज़ पढ़ी, पीएच पढ़ा, मॉइस्चर पढ़ा, टेम्परेचर पढ़ा, ऑक्सीजन पढ़ा, तो ये अफेक्ट कर सकते हैं. और पूरे इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं, इससे पहले जो हमने पढ़ा वो हम आपस में उसको कोरिलेट करके फैक्टर्स के बारे में बता सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कैसे वो अफेक्ट करते हैं कोरोजन को. तो आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक, आपको जो फैक्टर्स हैं कैसे अफेक्ट करते हैं, आपको अंदाजा पता लग गया होगा कि किस तरीके से ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. थैंक यू. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम कोरोजन. कौन से ऐसे मेथड हैं जिससे हम मेटल को कोरोजन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं.